दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्त्रियों के अलग अलग स्वभाव और उनके प्रकार के बारे में। समुद्र शास्त्र के अनुसार स्त्रियों के प्रकार और ज्योतिष शास्त्र और पुराणों में स्त्रियों के कई प्रकार के बारे में लिखा गया है कि स्त्री कितने प्रकार की होती है, उनके क्या लक्षण होते हैं और उनका स्वभाव कैसा होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार स्त्रियों को मुख्यतः निम्न 5 वर्गों में बांटा गया है। आइए जानते हैं। चित्रिणी। चित्रिणी स्त्रियां पवित्रता तथा स्वजनों पर स्नेह करने वाली होती हैं। ये हर कार्य बड़ी शीघ्रता से करती हैं। इनमें भोग की इच्छा कम होती है और श्रृंगार आदि में इनका मन अधिक लगता है। इनसे अधिक मेहनत वाला काम नहीं होता, परंतु ये बुद्धिमान और विदुषी होती हैं। गाना बजाना और चित्रकला इन्हें विशेष प्रिय होता है। ये तीर्थ, व्रत और साधु संतों की सेवा करने वाली होती हैं। चित्रिणी स्त्रियां दिखने में बहुत ही सुंदर होती हैं। इनका मस्तक गोलाकार, अंग कोमल और आंखें चंचल होती हैं। इनका स्वर कोयल की समान होता है और बाल काले होते हैं। इस जाति की लड़कियां बहुत ही कम होती हैं। यदि इनका जन्म गरीब परिवार में हो तो ये भविष्य में पटरानी के समान सुख भोगती हैं। चित्रिणी स्त्रियां अधिक संतान होने पर भी लगभग इनकी 3 संतानें जीवित रह सकती हैं। उनमें से एक का राजयोग होता है। इस जाति की लड़कियों की आयु लगभग 48 वर्ष की होती है। पुंश्चली। पुंश्चली स्वभाव की लड़कियों के मस्तक का चमकीला बिंदु भी मलिन दिखाई देता है। इस स्वभाव वाली महिलाएं अपने परिवार के लिए दुख का कारण बनती हैं। इनमें लज्जा नहीं होती और ये अपने हाव भाव से कटाक्ष करने वाली होती हैं। इनके हाथ में नव रेखाएं होती हैं, जो सिद्ध स्वास्तिक आदि उत्तम रेखाओं से रहित होती हैं। इनका मन अपने पति की अपेक्षा पर पुरुषों से अधिक लगता है और इसलिए कोई इनका मान सम्मान नहीं करता, सभी इनकी अपेक्षा करते हैं। पुंश्चली स्त्रियों में युवा अवस्था के लक्षण 12 वर्ष की आयु में ही दिखाई देने लग जाते हैं और इनकी आंखें बड़ी और हाथ पैर छोटे होते हैं। इनका स्वर तीखा होता है और यदि किसी से सामान्य रूप से बात भी करती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे विवाद कर रही हैं। इनकी भाग्य रेखा और पुण्य रेखा छिन्न भिन्न रहती है। इनके हाथ में 2 शंख रेखाएं और नाक पर तिल होता है। शंखिनी। शंखिनी स्वभाव की स्त्रियां थोड़ी लंबी होती हैं। इनमें से कुछ मोटी और कुछ दुर्बल होती हैं। उनकी नाक मोटी, आंखें अस्तित्व और आवाज कम भी होती है। ये हमेशा प्रसन्न दिखाई देती हैं और बिना कारण आक्रोश किया करती हैं। ये पति से रूठी रहती हैं। शंखिनी स्त्री को पति की बात मानना गुलामी की तरह लगता है। इनका मन सदैव भोग विलास में डूबा रहता है। इनमें दया भाव भी नहीं होता, इसीलिए ये परिवार में रहते हुए भी उनसे अलग ही रहती हैं। ऐसी स्त्रियां संसार में अधिक होती हैं और ऐसी लड़कियां चुगली करने वाली यानी इधर की बात उधर करने वालों में से होती है। ये अधिक बोलती हैं, इसीलिए लोग इनके सामने कम ही बोलते हैं। इनकी आयु लंबी होती है। पिता का कुल और पति का कुल, दोनों कुल इनके सामने नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में ये बहुत दुखी होती हैं। ये उस समय मरने के बराबर इच्छा रखती हैं, लेकिन मृत्यु नहीं होती। हस्तिनी। हस्तिनी लड़कियों का स्वभाव बदलता रहता है। इनमें भोग विलास की इच्छा अधिक होती है। ये हसमुख स्वभाव की होती हैं और भोजन अधिक करती हैं। उनका शरीर थोड़ा मोटा होता है और ये प्राय आलसी प्रकृति की होती है। इनके गाल, नाक, कान और मस्तक का रंग गोरा होता है और इन्हें क्रोध अधिक आता है। कभी कभी इनका स्वभाव बहुत ही क्रूर हो जाता है और इनके पैरों की उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। इनकी संतानों में लड़कियां अधिक होती हैं और ये बिना रोग के ही रोगी बनी रहती हैं। इनका पति अक्सर सुंदर और गुणवान होता है। अपने झगड़ालू स्वभाव के कारण हस्तिनी स्त्रियां परिवार को कलेश पहुंचाती हैं। इनके पति इनसे दुखी होते हैं और ये स्त्रियां धार्मिक कार्यों के प्रति अधिक आस्था नहीं रखती हैं। इन्हें स्वादिष्ट भोजन पसंद होता है। इनकी परम आयु 73 वर्ष की होती है और विवाह के 4, 8 और 12 अथवा 16 वर्ष में उनके पति का भाग्य उदय होता है। इनके दुष्ट स्वभाव के कारण ही परिवार में इनकी कोई पूछ परख नहीं होती। पद्मिनी। सबसे उत्तम स्वभाव की स्त्रियों में
पद्मिनी सबसे आगे रहती हैं। समुद्र शास्त्र के अनुसार पद्मिनी स्त्रियां सुशील, धर्म में विश्वास रखने वाली तथा माता पिता की सेवा करने वाली व अति सुंदर होती हैं। पद्मिनी स्त्रियों के शरीर से कमल के समान सुगंध आती है और ये लंबे कद व कोमल बालों वाली होती हैं। इनकी आवाज मीठी होती है और पहली नजर में ये सभी को आकर्षित कर लेती हैं। इनकी आंखें सामान्य से थोड़ी बड़ी होती हैं और ये अपने पति के प्रति समर्पित रहती हैं। इनकी नाक, कान और हाथ की उंगलियां छोटी होती हैं। इनकी गर्दन शंख के समान होती हैं। इनके मुख पर सदा प्रसन्नता दिखाई देती है। पद्मिनी स्त्रियां प्रत्येक बड़े पुरुष को अपने पिता के समान, अपनी उम्र के पुरुषों को अपने भाई के समान और छोटों को अपने पुत्र के समान समझती हैं। ये देवता, गंधर्व, मनुष्य सबका मन मोह लेने में सक्षम होती हैं। पर ये सौभाग्यवती अल्प संतान वाली, पवित्रताओं में श्रेष्ठ, योग्य संतान उत्पन्न करने वाली तथा आश्रितों का पालन करने वाली होती हैं। इन्हें लाल वस्त्र अधिक प्रिय होते हैं तथा इस जाति की लड़कियां बहुत ही कम होती हैं। जिनसे इनका विवाह होता है वह पुरुष बहुत ही भाग्यशाली होता है। दर्शकों, इस संसार में अलग अलग स्वभाव की स्त्रियां होती हैं, लेकिन हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि हमें हर स्त्री का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि इस जीवन की नींव भी एक स्त्री ही है। स्त्रियों के बारे में हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। नारी का दिल समुद्र की तरह विशाल होता है। नारी की महानता, त्याग और संघर्ष के आगे दुनिया झुकती रहती है। तो दर्शकों, आज का सवाल आपके लिए ये है कि क्या आप बता सकते हैं कि कितने जन्मों के बाद मनुष्य योनि में जन्म मिलता है? और जाने से पहले आज की इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।